अस्सलाम वालेकुम एंड वी आर फाइनली बैक विद अनदर व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब लोग? ठीक है, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, आप लोगों की खिदमत में एक बार फिर से हाजिर है जैद व्लॉग का। भाई साहब, आज बहुत ही बड़ा दिन है मेरे लिए। ठीक है, आज मैं आप लोगों से शेयर करूंगा अपनी यूट्यूब की जर्नी, जो कि आज पूरी होने हो चुकी है तकरीबन। मतलब कि 1000 वीडियो मैंने आप लोगों से वादा किया था कि वो पूरी होने वाली है, और उसके बारे में आप लोगों को एक डिटेल वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, ये देखें, अभी सारी तैयारी में करके हटा हूँ, मतलब वो पानी वगैरह और साथ में वो कॉम और ये साथ में स्टैंड वगैरह पड़ा हुआ है, ताकि सारी तैयारी हो गई है बिल्कुल। और आप सीधा वीडियो शूट करने वाला हूँ, और यहाँ से मोबाइल मेरे हाथ से डायरेक्ट चले जाएगा स्टैंड के ऊपर। और अभी फ़िलहाल इतनी ज़्यादा गर्मी, इतना ज़्यादा टेम्परेचर है कि मैं आप लोगों को एक्सप्लेन नहीं कर सकता कितनी गर्मी पड़ी है। वो आप ऊपर तकरीबन सूरज ही देख लें, बिल्कुल सार के ऊपर है। ये पसीना चेक करें मेरे हाथ के ऊपर, ये देखें। तो यार इतनी ज़्यादा गर्मी में आप लोगों को एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता। तो एनीवेज, वेलकम बैक हो गया तुम लोगों का एक बार फिर से अनदर व्लॉग के अंदर। और अगर अभी तक आप लोगों ने जहर व्लॉग्स को ज्वाइन नहीं किया है तो कर लो लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दो, क्योंकि यार जल्दी से जल्दी वीडियो बनानी है, शूट को ख़त्म करना है, नीचे जाना है, एडिटिंग करनी है। और इंशाल्लाह ताला आज रात को ही ये वीडियो पोस्ट कर दी जाएगी, और साथ में 1000 की आप लोगों ने मुबारकबाद भी मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी देनी है। ठीक है, तो आइए चलते हैं वीडियो की जानिब। तो लेट्स गो। तो आज ये जो मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, आज डेट है तकरीबन 1 जुलाई, और आज से अगर 2 साल पीछे जाएँ तो मैंने तकरीबन 4 मई को ये पहली वीडियो देखी होगी आप लोगों ने मेरी, पहली जो 2022 में मैंने ब्लॉग डाला था, करो कोविड चल रहा था तब। ये उसकी पिक्चर भी आप लोग देख सकते हैं कि 4 मई को पहला ब्लॉग डाला था, जो मैं हानिया आमिर से मिलने गया था मीटअप के ऊपर। और अगर उस ब्लॉग को भी आप लोग पहले को देखना चाहते हैं, तो आपको उस ब्लॉग का लिंक भी ये नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मैं डाल दूंगा, वहाँ से मिल जाएगा। और उसके बाद जो मैंने अपनी, जिससे मुझे यूट्यूब का शौक हुआ था, ठीक है, वो वीडियो थी मेरी YouTube Shorts। वो मैंने पहली वीडियो लगाई थी जब पाकिस्तान में अभी YouTube नया नया आया था। मीन्स के मैंने YouTube Shorts को तब नहीं अपनाया था जब वो पाकिस्तान में नई नई आई थी, क्योंकि तब जब वो आई थी, अगर मैं तब YouTube को पकड़ता तो तब मेरी शायद हो सकती आज मेरा 1 लाख सब्सक्राइबर भी हो जाता। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैंने अपने YouTube चैनल के जो वीडियो थी उसको मैंने अपलोड किया तकरीबन कह लें कि 3 से 4 माह बाद, और जिसके बाद जाके कह लें कि YouTube थोड़ा सा ऊपर ग्राफ चले गया हुआ था। और उसके बाद मुझे अभी तक ग्रो करने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल पेश आई है, लेकिन मेहनत से ही कामयाबी मिलती है। और जैसा कि हर बंदे का एक आइडियल होता है कि जिसको देख के आप कोई काम शुरू करते हैं, जैसे कि लाइक मुझे 2015 में क्रिकेट का पहला शौक आया था, कि मैंने सबसे पहली जो अपॉर्चुनिटी, मेरे अंदर से जो गॉड गिफ्टेड टैलेंट आया था वो मुझे क्रिकेट का आया था, जो मैंने, मेरा स्टार प्लेयर एबी डिविलियर्स था, जिसको देख कर मैंने अपनी क्रिकेट स्टार्ट की। और इसी तरह ही अगर बात करते चलें तो जब मेरा यूट्यूब का सफ़र, यूट्यूब की जर्नी शुरू हुई, तो यार उसके पीछे बहुत बड़ा हाथ था डकी भाई का। जो मैंने व्लॉगिंग शुरू की थी स्पेशली, वो डकी भाई को देख के की थी। अगर आप लोग, जो लोग मुझे शुरू से फॉलो कर रहे होंगे, उन्हें पता होगा कि मेरे जो इंट्रो का स्टाइल था वो भी बिल्कुल सेम टू सेम डकी भाई जैसा था। तो स्पेशली थैंक टू यू डकी भाई, जो लोगों को इंटरटेन कर रहे हैं। मैंने उसको तब फॉलो किया था जब उसके कह लें कि 2 मिलियन मेरे ख्याल से कोई सब्सक्राइबर थे तो ज़्यादा ही, लेकिन मैंने तब उसको फॉलो किया था। और तब से लेके अब तक मैंने उसका कोई ऐसा भी लोग नहीं है जो नहीं देखा होगा। तो इंशाल्लाह ताला वन डे इंशाल्लाह से जब मैं मीटअप करूंगा तो उससे जाके भी सारी आपको गुफ्तगू दिखाऊंगा। तो उसके बाद जब मैंने अपना सफर शुरू किया, तो यार ये बहुत ही लंबी एक जर्नी है। 2 साल कोई छोटा काम नहीं होता। 2 साल में 1000 वीडियो को अपलोड करना, लाइक मैंने को तकरीबन 235 235 व्लॉग्स अपलोड किए हैं, और बाकी कह लें कि 265 व्लॉग, और मेरे ख्याल से कोई 235 और 200 तकरीबन के 750 के करीब करीब मैंने शॉर्ट्स वीडियो अपलोड किए हैं, जिसके ऊपर हर वीडियो के ऊपर काफ़ी अच्छे व्यूज़ आए हैं। तकरीबन कह लें कि कोई कोई 500+ वीडियो होगी जिसके ऊपर मुझे अच्छे व्यूज़ आए हैं, और बाकी 200 वीडियो, 300 वीडियो, इसके ऊपर इतने खास व्यूज़ नहीं आए होंगे। लेकिन आई होप, मुझे उम्मीद है कि एक ना एक दिन मैं इसके ऊपर लाजमी अपॉर्चुनिटी, मतलब कि एक जो ग्रैंड लेवल है उसको मैं अचीव करने में कामयाब हो जाऊंगा। अभी चलते हैं ब्रेक की जरा। आप लोग
लोग सोच रहे होंगे कि यार यकदम ऊपर से धूप से कमरे के अंदर आ गया है, ये क्या लॉजिक है? तो एक्चुअल में लॉजिक ये है कि यार ऊपर आप लोगों ने देखा होगा कि इतनी ज्यादा गर्मी पड़ रही थी, और मेरे हाथों पे, मुंह पर, चेहरे पे, जिस्म पे इतना पसीना आ चुका था कि मैंने सोचा कि थोड़ा सा 2 मिनट का ब्रेक लिया जाए। आप लोगों को बताना मैं भूल चुका था, लेकिन उसके लिए आई एम रियली सॉरी। और मेरा ये ख्याल था कि अपनी यूट्यूब की जर्नी को अगर मैंने आप लोगों को आप तक पहुंचाना है तो उसका बेहतरीन हल ये है कि नीचे जाया जाए, कमरे के अंदर शूट किया जाए और एक अच्छा सा शावर लेकर फ्रेश लुक निकाल कर और आप लोगों से गपशप की जाए और अपनी यूट्यूब की जर्नी में आप लोगों से गुफ्तगू की जाए। मैं सबसे पहले स्टार्ट करूँगा वहाँ से कि आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत ही कमाल कमाल के वीडियोज जो मैंने YouTube Shorts पर डाली, जैसा कि आपको मैंने पहले भी बताया था कि जब मैंने अपने YouTube का चैनल स्टार्ट किया तो मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता था। उससे पहले ऑलरेडी मैं 2 चैनल अपने बना चुका था और दोनों के दोनों चैनल ही मेरे वो बंद हो चुके थे, उनके ऊपर कॉपीराइट स्ट्राइक्स आ चुके थे जिसके बारे में मुझे नहीं पता था। तो फिर मैंने ऐसे ही बस ये तीसरा चैनल भी अभी जो मैंने जैद व्लॉग्स के नाम से बनाया, तो यार ये मैंने कह लें कि बस ऐसे ही बना लिया था, और वो भी सिर्फ कि यूट्यूब शॉर्ट्स जब आई तो मैंने सोचा कि जैसे मैं टिकटॉक के ऊपर मेहनत कर रहा हूँ वैसे अगर मैं यूट्यूब के ऊपर मेहनत करूँ तो क्या पता एक ना एक दिन मेरा चैनल वायरल हो जाए और मुझे काफ़ी अच्छी अर्निंग आनी शुरू हो जाए। लेकिन मैंने एक ही रास्ता चुना टिकटॉक को, हर चीज को छोड़ के, जहाँ से मैं अपना पैगाम लोगों तक पहुँचा सकूँ, लोगों को एंटरटेन कर सकूँ। हो सकता है आप लोग मेरी वीडियोस को भी इतना नहीं देख रहे होंगे, लेकिन जब आप देखेंगे एक ना एक दिन जब मेरा चैनल तकरीबन अच्छे तरीके से वायरल हो जाएगा तो आप लोग भी याद करेंगे कि कोई व्लॉगर था जिसका नाम जैद था, वो काफी अच्छे व्लॉग बना रहा है, एंटरटेन कर रहा है, क्यों ना इसके चैनल को प्रमोट किया जाए। तो जब यार यूट्यूब शॉर्ट्स मैंने डालना शुरू की, मुझे पहली वीडियो मैंने बोलिंग की डाली, तो जब बहुत लोग देखते हैं इंटरटेनमेंट, अगर मैंने यही यूट्यूब शॉर्ट्स का चैनल जब पाकिस्तान में रिलीज हुआ था तो मेरा एक कजन था उसने चैनल को बनाया, उसने सिर्फ रिसेंटली कह लें कि जब वो आया तो उसने 30-40 वीडियोज अपलोड की थी, तो उसका वॉच टाइम मतलब 3,677 के अराउंड अबाउट हो गया था, तकरीबन 400 घंटे रह गए थे, बहुत से रह गए थे जो पूरे करना तो उसको अर्निंग आनी शुरू हो जानी थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसका लैपटॉप खराब हो गया, उसको आईडी का पासवर्ड भूल गया, लेकिन जब उसे याद आया तो तब यूट्यूब शॉर्ट्स पाकिस्तान में इतना ग्रो कर चुकी थी कि बंदा यूट्यूब शॉर्ट्स से पैसे कमाना शुरू हो गया था, बड़े बड़े यूट्यूबर्स आगे आ गए थे, उन्होंने छोटे कंटेंट क्रिएटर जितने उनको आगे आने नहीं दिया, जिसकी वजह से आज हम लोगों को इतनी ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। लेकिन कोई मसले वाली बात नहीं है, अगर आप लोग चाहें अगर इसको अपना फुल टाइम कैरियर बनाना चाहते हैं तो इसके लिए आप लोगों को बहुत ज्यादा स्ट्रगल की जरूरत होगी और उसके लिए आप लोगों को बाहर निकलना पड़ेगा। और सबसे आसान हल इसका यूट्यूब के चैनल को वायरल करवाने के लिए ये है कि सबसे ईजी भी है कि आप कुछ पैसे लें, मीन्स के आप 1-2 लाख लें, किसी बड़े स्टार से मिले, स्टार से मिलने के बाद उसको वो पैसे देने के बाद उसके साथ यूट्यूब का चैनल मतलब कि एक वीडियो बनाए, उसको शूट करें और अपने चैनल पर अपलोड करें, उससे अपने चैनल की प्रमोशन करवाएं, ऑटोमेटिकली उसकी ऑडियंस भी आपके पास आ जाती है और आपकी आपका चैनल भी ग्रो कर जाता है, वॉच टाइम भी पूरा आ जाता है। बस आपका एक बार वॉच टाइम सब्सक्राइबर्स पूरे हो जाएंगे तो आपको जब अर्निंग आना शुरू हो जाएगी तो आप लोगों को काफी ज्यादा आसानी हो जाएगी, चाहे उसके बाद आपके व्यूज थोड़े कम आएंगे लेकिन आपको अर्निंग आना शुरू होगी। आप अपने कॉन्टेंट को इतना अच्छे तरीके से मतलब कि रिलीज कीजिएगा ताकि आप लोगों का कॉन्टेंट लोग आपको देखने पर मजबूर हो जाए। जैसा कि हम पहले बात कर रहे थे यूट्यूब शॉर्ट्स की, तो यूट्यूब शॉर्ट्स में ये था कि आप लोग, मैं जितनी भी मेरी यूट्यूब की शॉर्ट्स की वीडियो जो वायरल हुई ना, सबसे पहले मैंने फोकस सबसे ज्यादा किया था स्नोकर की वीडियोस के ऊपर, जिसके ऊपर मुझे काफी अच्छे व्यूज आए थे, और उसके बाद फिर मैंने क्रिकेट की वीडियोस लगाना शुरू की। क्रिकेट की वीडियोस के ऊपर भी मैंने तकरीबन क्या नहीं किया, मेरी कुछ 400-500 वीडियोस होगी जो मैंने सिर्फ क्रिकेट के ऊपर भी लगाई थी, तो जिससे मुझे काफी मतलब मैंने कह लें कि 2000 भी जो ऊपर वाले सब्सक्राइबर थे जो अभी तक मुझे आए हैं वो सारे के सारे मैंने क्रिकेट की वीडियोस भी लगाए हैं, क्योंकि यार क्रिकेट मुझे बहुत ज्यादा पसंद थी और लोग क्रिकेट को प्रमोट भी करते हैं और लोग यूट्यूब शॉर्ट्स को देखते हैं एंटरटेनमेंट होने के लिए। और मैंने काफी अच्छी मेहनत की क्रिकेट के ऊपर भी, स्नोकर की वीडियो के ऊपर भी, ट्रिक शॉर्ट्स बनाई मैंने इतनी ज्यादा,
और सारी की सारी सारी के सारी वायरल हुई थी, जिससे मेरा चैनल आज माशाल्लाह 3000 सब्सक्राइबर्स मैं अचीव कर चुका हूँ। और सबसे बड़ी बात है कि आप लोग भी अगर यूट्यूब के ऊपर आना चाहते हैं, यूट्यूब के ऊपर मेहनत करना चाहते हैं, और सबसे पहली बात कि आप यूट्यूब का चैनल कैसे बनाना चाहते हैं, तो वो भी वीडियो मैंने अपने चैनल के ऊपर बनाकर अपलोड की है। अगर आप लोग वो वीडियो देखना चाहते हैं और उसका लिंक भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन के अंदर मिलेगा, चाहिएगा देखिएगा और अपने यूट्यूब की जर्नी को भी स्टार्ट कीजिएगा। आइए बढ़ते हैं, सबसे पहले जानते हैं इस बात के बारे में कि मैंने यूट्यूब का चैनल बनाया कैसे और इसको कैसे बनाया जाता है। उसके लिए स्टेप वन ये है कि सबसे पहले आप लोगों ने अपना एक जीमेल का अकाउंट बनाना है अपने नाम से। वो ऑलमोस्ट जिसके पास मोबाइल होता है उसके पास जीमेल का अकाउंट ऑलरेडी बना होता है, गूगल प्ले स्टोर के ऊपर उसका वो अकाउंट लगा होता है। वो जैसे ही यूट्यूब के ऊपर जाता है साइट पर चार ऑप्शन मिलते हैं, सबसे लास्ट वाले पर जाके क्लिक करेगा। क्लिक करने के बाद वो आपसे आपकी जीमेल आईडी मांगेगा, जैसे ही आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे डायरेक्टली आपके जीमेल की आईडी आपके चैनल यूट्यूब के ऊपर ओपन हो जाएगी और वहां से आप लोग अपना वीडियोस अपलोड करके अपने यूट्यूब की जर्नी को अच्छे तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं। मैं रिसेंटली आपको बताता हूँ, मैंने एक यूट्यूब का चैनल देखा, उसके ऊपर सिर्फ उसने एक वीडियो अपलोड की जिससे उसने 2,43,000 सब्सक्राइबर्स गेन किए और साथ में उसकी एक ही वीडियो को 26 करोड़ व्यू पड़ा था, तो उसके यूट्यूब की मोनेटाइजेशन भी ऑन हो चुकी थी और उसके सब्सक्राइबर्स भी पूरे हो चुके हैं। लेकिन आने वाला जो फ्यूचर आ रहा है वो AI का जमाना आ रहा है, AI का दौर आ रहा है, जिसके अंदर सबके सब लोग यूट्यूब के ऊपर टिकटॉक के ऊपर जा रहे हैं, कंटेंट बना रहे हैं, फैमिली ब्लॉगिंग कर रहे हैं जैसा। और मुझे सबसे ज्यादा जो पसंद ब्लॉगिंग के अंदर अगर फैमिली ब्लॉगिंग की बात की जाए तो मुझे डकी पसंद है। उसके अलावा और अगर इंफॉर्मेशन वीडियो जो होती हैं वो अगर आप लोगों को इंफॉर्मेशन चाहिए तो उसके लिए सबसे अच्छा यूट्यूबर ध्रुव राठी है, जो बहुत ही ज्यादा यूथ को प्रमोट कर रहा है। मतलब प्रमोट करने से कि यूथ को एक ऐसी इंफॉर्मेशन दे रहा है जो आम बंदे के बस की बात नहीं है। वो इतने अच्छे वीडियोस बनाकर अपलोड कर रहा है कि उसके तकरीबन क्या लेंगे 2 करोड़ उसके सब्सक्राइबर हैं और उसने अपना एक अलग से ब्लॉग का चैनल भी बनाया हुआ है, उसके ऊपर भी उसके 50-60 लाख उसके ऊपर भी है सब्सक्राइबर्स हैं। तो अगर वो बंदा इतनी अच्छी मेहनत कर रहा है और मेहनत करने के बाद वो आगे आ रहा है, अच्छे खासे पैसे अर्न कर रहा है, तो आप लोगों को भी चाहिए कि ध्रुव राठी को जाएं फॉलो करें। मैंने तो उसको भाई फॉलो किया हुआ है और इंशाल्लाह ताला इस वीडियो को अपलोड करने के बाद मेरी कोशिश है कि उसने यूट्यूब के ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बनाई है, आप लोग जाएं उसकी वीडियो का चैनल का लिंक भी मैं कोशिश करूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूं, जाएं उसका चैनल खोलें, यूट्यूब की इंफॉर्मेशन उससे लें। उसने अपना कूपन कोड ध्रुव राठी भी दिया होगा, उसको जाके अगर उसके कूपन कोड से आप उसके चैनल की सब्सक्रिप्शन खरीदते हैं, आपको यूट्यूब के चैनल को ग्रो करने के बारे में वो बताएगा तो आप लोगों को पाकिस्तानी तकरीबन 4,000 रुपये की मिलेगी। तो आप लोग अगर लाइफ में एक बार अपने ऊपर 4,000 खर्च कर लें और 7 दिन का कोर्स का यूज कर लें तो मेरे ख्याल से आई होप आपका यूट्यूब का चैनल ग्रो कर जाएगा। मेरी प्रॉपर यूट्यूब की जर्नी जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है, तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। इसके लिए मैंने काफी ज्यादा सोचा कि वीडियो को कैसे बनाऊँ, लास्ट वीडियो है 1,000 वाली वीडियो है, मेरा अभी इतना साउंड सिस्टम भी नहीं ठीक है, वो माइक वगैरह सब कुछ भी अरेंज करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो उसके लिए मैं कोशिश यही कर रहा हूँ कि आप लोग जल्दी से जल्दी जाएं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें ताकि आप लोगों को इससे ज़्यादा काफ़ी मोटिवेशन हो और आप लोग भी अपना चैनल बनाएं और सबको सपोर्ट करें। जैसे बड़े लोगों को तो सब लोग सपोर्ट करते हैं, इसी तरह छोटे यूजर को भी आप लोगों का हक बनता है कि ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें ताकि वो भी अपने आप को ग्रोन कर सकें, अपने अपने चैनल को ग्रोन कर सकें, आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे कंटेंट ला सके। तो बस ये वीडियो आप लोगों के लिए छोटा सा एक समझ लें आप लोगों का, तो मेरी तरफ से आप लोगों के लिए गिफ्ट है। मैंने बनाना तो ये वीडियो को प्रॉपर माई सेल्फ के ऊपर था, लेकिन मैंने कोशिश की कि ये यूट्यूब की वीडियो है तो आप लोगों के लिए यूट्यूब की अपनी प्रॉपर जर्नी आप लोगों से शेयर की जाए कि कैसे मैंने मेहनत की, किस किस रेट को मैं आया, कितने सब्सक्राइबर्स गेन किए, ये किया वो किया, वीडियोस को कैसे वायरल हुई मेरी, कैसे मैंने वायरल की, कैसे प्लेटफॉर्म के ऊपर इतना ऊपर उसको लेके गया, ये आपको मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। ये मेरे पूरे 2 साल की मेहनत है जो मैंने अभी 2 साल में 3,000 सब्सक्राइबर्स को अचीव किया है। और आप लोगों को ये लगता होगा कि फलाम यूट्यूबर के इतने सब्सक्राइबर हैं, अगर आप लोग उनका भी बैकग्राउंड जाके चेक करें तो कोई 10 साल से बैठा है, कोई 8 साल से बैठा है, कोई 12-15 साल से बैठा हुआ है,
ये अब लक पे बात डिपेंड करती है कि आपकी कोई वीडियो जल्दी वायरल हो जाए, क्योंकि अब जमाना इंटरनेट का चल रहा है, तो किसी की वीडियो भी किसी वक्त भी वायरल हो सकती है। वो जल्दी से जल्दी वायरल हो सकता है और वो अपनी अचीवमेंट को अचीव कर सकता है, लेकिन यार कोशिश यही करें, क्योंकि सब्र का फल मीठा होता है अगर आप लोग मेहनत करते जाएंगे। मुझे अभी 2 साल हुए हैं, इंशाल्लाह ताला मेरी कोशिश है कि जैसे ही मेरी कोशिश है कि ये 3रा साल मुझे अल्हम्दुलिल्लाह शुरू हो चुका है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे जल्दी से जल्दी चैनल कोई मेरा अच्छा ग्रो हो जाए। मैं वीडियो को काफ़ी ज़्यादा मेहनत से बना रहा हूँ, अच्छा मोबाइल भी लिया हुआ है, मैं ये जो वीडियो शूट कर रहा हूँ ये 14 प्रो के अंदर मैं शूट कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जो मैंने अपने YouTube को स्टार्ट किया था वो आईफोन, जो पहली वीडियो मैंने शूट की थी वो iPhone 8 Plus के अंदर मैंने शूट की थी। लेने को तब भी मैं 11 Pro ले सकता था, लेकिन मुझसे तब नहीं लिया गया, क्योंकि इतनी समझ बूझ नहीं थी। सिर्फ एक शौक था कि आईफोन लेना है, यूट्यूब का चैनल स्टार्ट करना है, ऐसे करना वैसे करना, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मुझे इसके बारे में इतना जुनून चला जाएगा कि आज मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 14 Pro अचीव कर लिया। तो ये मैंने यूट्यूब की इनकम से नहीं जनरेट किया, ये मैंने खुद के पर्सनल पैसों को खर्चे को जोड़ के, मैंने अपने पापा से कुछ ले गया, कुछ खुद से जोड़ के, तो ये मैंने तो तकरीबन 2 लाख का मोबाइल लिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह इससे ये तो एक मुझे फ़र्क पड़ा है कि वीडियोज़ के ऊपर अच्छे व्यूज़ भी आ रहे हैं, और साथ में आप ये रिजल्ट देख सकते हैं कि कितना अच्छा माशाल्लाह रिजल्ट भी आ रहा है। आप लोगों को हर चीज़ रिजल्ट बहुत ज़्यादा मैटर करता है अगर आप लोगों ने यूट्यूब के ऊपर अपनी वीडियोज़ को अपलोड कर। जी ये थी सिंपल सी एक जर्नी जो मैंने आप लोगों से अपनी शेयर कर दी है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह ताला मिलेंगे, अब इस वीडियो को इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि आज के आज ही अपलोड कर दूं, ताकि आप लोग इस वीडियो को देखें, पूरा देखें, एंजॉय करें, और आप लोगों को एक अच्छी फीलिंग आ सके, और आप लोग भी अपने बच्चों को प्रमोट कर सकें। और सबसे ज़्यादा बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों से जाते जाते ये कर दूँ कि अगर आप लोगों के घर में छोटे बच्चे हैं, जो तकरीबन 7, 8 साल, 9 साल की उम्र के बच्चे हैं, तो अगर आप लोग उनके नाम से उनका चैनल बनाकर उनकी वीडियोस को अच्छे मोबाइल से बनाकर अपलोड करना अभी से शुरू कर दें, तो जब उनके वो मतलब कि जब वो 15, 16, 18 साल के हो जाएंगे, तो उनका चैनल एक तो वैसे ग्रो कर गया होगा, और आप लोग यकीन नहीं करेंगे इस वक्त जो टॉप यूट्यूब के ऊपर चैनल है वो बेबी किड्स का ही है, जो कि बच्चे आजकल सबसे ज्यादा वीडियोस को देखते हैं, बच्चों की पोइम्स वगैरह, बच्चों की शराब वगैरह। अमेरिकन बच्चा है एक, उसको बिलियंस में व्यूज आ रहे हैं, बिलियंस में यार, बिलियंस में व्यूज आ रहे हैं। आप सोचें वो कितने पैसे अर्न कर रहा होगा। और अगर आप लोगों के घर में भी छोटे छोटे बच्चे हैं, तो उनकी अच्छी अच्छी एक्टिविटीज, उनकी अच्छी अच्छी वीडियोज बनाकर खेलते हुए, वैसे कोई इधर उधर जाते हुए, कोई बंदा आउटिंग पे जाए उसकी वीडियोस बनाकर शॉर्ट्स के रूप में, शॉर्ट्स के लिए इस रूप इस्तेमाल होता है। तो इस रूप शॉर्ट्स में आप लोगों को एंगल से इसलिए बता रहा हूँ ताकि बाज उतार लोग हैं वो इस रूप के वीडियो शूट करते हैं, लेकिन आप लोगों ने वीडियो को इस रूप मोबाइल पकड़ कर शूट करना है, स्ट्रेट फॉरवर्ड जैसे हम इसको यूज करते हैं, ऐसे पकड़ कर वीडियो को यूट्यूब शॉर्ट्स के ऊपर बनाकर वीडियो को अपलोड करना है। और मुझे उम्मीद है कि बच्चों की वीडियो जितनी जल्दी मतलब के वायरल हो जाती है, उतनी जल्दी बड़ों की वीडियोस वायरल नहीं होती। हाँ, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ग्रुपिंग होना बहुत जरूरी है। अगर आप लोग के ग्रुप में 3-4 लोग हैं, तो आप लोगों को चाहिए कि ग्रुप के अंदर वीडियो बनाकर उसको अपलोड करना चाहिए। तो वीडियो को करते हैं यहाँ पर एंड, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह ताला मिलेंगे आप लोगों से एक नेक्स्ट व्लॉग में, 1001 वीडियो, वो वाली वीडियो मैं शॉर्ट वीडियो अपलोड करूंगा, ये वाली वीडियो लॉन्ग वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, तो आप लोग आई होप मजा आएगा। तो जाइए देखिए, इंजॉय कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले अचीवमेंट के दौरान, तब तक के लिए स्टे ट्यून, लव यू ऑल। 2 साल के लिए मुझे अपना प्यार देने के लिए, इतना टाइम देने के लिए, बस किसी तरह मुझे प्रमोट करते रहिएगा। इंशाल्लाह ताला आने वाले जनरेशन में, आने वाले टाइम में, मैं इंशाल्लाह ताला, उम्मीद है मुझे कि मैं एक बहुत बड़ा यूट्यूबर बनूंगा, आने वाले टाइम में बहुत बड़ा एक यूट्यूबर बनूंगा, और आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे कंटेंट लेके आऊंगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए स्टे ट्यून, लव यू ऑल, ओके एंड बाय।